दोस्तों जैसा कि आप लोग देखे यहां पर इनकी शॉर्ट वीडियो पर कितना व्यूज आया है, आप लोग सारी चीज लाइव देख सकते हैं। देखिए 4.7 मिलियन व्यूज, उसके बाद 1.8 मिलियन व्यूज, 23 मिलियन व्यूज, यानी कि लगभग कितना करोड़, ये करोड़ों में व्यूज है इनके। नीचे देखिए 2.8 मिलियन व्यूज, 1.5 मिलियन व्यूज, 1.3 मिलियन व्यूज, 13 मिलियन व्यूज, यानी कि इनके वीडियो पर 10-10 15-15 मिलियन व्यूज आता है और यहां पर इनकी शॉर्ट वीडियो वायरल है। तो आखिर आपकी शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं वायरल हो पाती, आपके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं, आपकी शॉर्ट वीडियो पर 10-20 व्यूज या 30 व्यूज आकर ही रुक जाते हैं, जहां जरा 500 व्यूज आता है रुक जाता है, या एकदम से आपकी शॉर्ट वीडियो जैसे जाती है 2000-3000 व्यूज आ जाता है उसके बाद आपका रुक जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आपकी भी शॉर्ट वीडियो 100% वायरल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, अगर आप लोग ने मेरे बताए हुए तरीके को अप्लाई करा अपने चैनल पर तो आपका भी शॉर्ट वीडियो वायरल होना चालू हो जाएगा। जैसे देखिए इन भाई साहब का, यहाँ पर आप लोग व्यूज चेक करिए, जितनी वीडियो है उनकी आप लोग जितनी आप वीडियो देखोगे सारी वीडियो पर मिलियन में व्यूज है। देखिए 9.4 मिलियन व्यूज, 33 मिलियन व्यूज। आपको अपने शॉर्ट वीडियो को अगर मोनेटाइज कराना है, यूट्यूब से अर्निंग करनी है, यूट्यूब से अगर आपको पैसे कमाना है, तो आपको अपने शॉर्ट वीडियो पर लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन व्यूज यानी कि 1 करोड़ व्यूज लाना होगा। और यहां पर देखिए भाई के हर एक वीडियो पर मिलियन में व्यूज आ रहे हैं, हर एक वीडियो पर आप लोग चेक करिए, देखिए 44.6 मिलियन व्यूज, और ये देखिए ये अभी रिसेंट वीडियो पर 33 मिलियन व्यूज है। तो आप लोग भी ये व्यूज अपने चैनल पर आ सकते हो, अपने शॉर्ट वीडियो पर ला सकते हो। बस जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ इसको आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आपको फॉलो करना है, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, गलती कर बैठोगे, फिर आपकी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी, फिर आप लोग ये कमेंट करोगे कि सर मेरी शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं हो पा रही, प्लीज मदद करो, प्लीज हेल्प करो, प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। तो यहां पर मैं आप लोग की एक एक लोगों की तो शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं कर सकता हूं, यहां पर मैं आपको तरीका ही बता सकता हूं, रास्ता ही बता सकता हूं, फॉलो आपको ही करना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर इस तरह से देखिए शॉर्ट वीडियो वायरल है। क्यों वायरल है? क्योंकि यहां पर ये तरीके को अप्लाई किया गया है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से समझना आपको करना क्या, अगर आप लोग भी अपनी शॉर्ट वीडियो को वायरल करना चाहते हो, शॉर्ट वीडियो से पैसे कमाना चाहते हो और शॉर्ट वीडियो से अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो, तो वीडियो को ध्यान से देखना आखिर तरीका क्या है जिससे आप लोग भी अपने शॉर्ट वीडियो को वायरल कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर तरीका क्या है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको जाना है अपने यूट्यूब एप्लीकेशन में, ठीक है, ध्यान से समझना, आपके लिए एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी स्टेप मिस मत करना, अगर मिस कर दोगे तो आप लोग शॉर्ट वीडियो वायरल नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ध्यान से देखना स्टेप। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जाना है आपको यूट्यूब एप्लीकेशन में, ठीक है। यूट्यूब एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको एक ऐसा देखे इस तरह से आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, साइड में देखे इस तरह से आपको एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी, आपको इधर स्क्रोल कर देना है, स्क्रोल करने के बाद देखिए सबसे ऊपर लिखा ट्रेंडिंग, आपको चले आना है ट्रेंडिंग वाले ऑप्शन पर। ध्यान से समझना मैं आपको कौन सा तरीका बताने वाला हूं, आपकी तभी शॉर्ट वीडियो वायरल हो पाई जब आप लोग वीडियो को ध्यान से समझोगे और अपने चैनल पर अप्लाई करोगे इस ट्रिक को। तो ध्यान से समझना, आप लोग ट्रेंडिंग वाले सेक्शन पर आ गए, अब यहां पर आपको आना है शॉर्ट वाले सेक्शन पर, ये बगल में आप लोग को शॉर्ट वाला सेक्शन दिख रहा है, इस शॉर्ट वाले सेक्शन पर आपको आ जाना है। शॉर्ट वाले सेक्शन पर आने के बाद नीचे आपको स्क्रोल करना है, यहां पर देखिए बहुत सारे आपको शॉर्ट मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे ऊपर जो आपको चैनल दिख रहा है, सबसे ऊपर दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इस शॉर्ट पर क्लिक कर देना, जो भी आपको यहाँ पर सबसे ऊपर शॉर्ट दिखे उसके शॉर्ट वीडियो पर आपको क्लिक कर देना। बस क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा वीडियो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक शेयर वाला ऑप्शन दिख जाएगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको एक शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पर आपको लिखा होगा कॉपी लिंक, तो आपको यहाँ से जो है इस वीडियो के लिंक कॉपी कर लेना है। अब आपको करना क्या है, आपने यहां से वीडियो की लिंक कॉपी कर ली, अब ध्यान से समझना आपको क्या करना है, अब आपको आना है प्ले स्टोर पर, ठीक, प्ले स्टोर पर आना है, और प्ले स्टोर पर आने के बाद यहां पर आपको एक वेबसाइट सर्च करनी है, एक एप्लीकेशन को सर्च करना है प्ले स्टोर पर, यहां पर आपको सर्च करना है वाई टूल, इस तरह से एक एप्लीकेशन को आपको सर्च कर लेना, देखिए ये एप्लीकेशन है, आपको इसको सर्च कर लेना और सर्च करके डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है, तो ये एप्लीकेशन ध्यान से आप लोग देख लो, वाई टूल नाम है, इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने देखिए डाउनलोड करके रखा है, ठीक, तो आपको करना क्या है, इस एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेना, ठीक, यहाँ से देखिए मैंने इसको डाउनलोड करके रखा है, देखिए ये एप्लीकेशन है, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, एंटर वीडियो या चैनल यूआरएल, यानी कि यहाँ पर आपको लिंक मांग रहा है कि लिंक डालिए, तो जो अभी मैंने आपको बताया जो लिंक कॉपी की, आपको वो लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना,
पेस्ट कैसे करना है, यहाँ पर आपको थोड़ी देर फिंगर को प्रेस करके रखना है, पेस्ट वाला ऑप्शन बन जाएगा, आपको पेस्ट कर देना। देखिए यहाँ पर लिंक आ चुकी है, आप लोग देखिए यहाँ पर लिंक पेस्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आगे गो लिखा है, गो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखिए क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले लिखा है देखिए ये वाली वीडियो आ चुकी है जो मैंने अभी आपको लिंक कर वो कॉपी करवाई थी, जिस वीडियो की लिंक देखिए यहाँ पर वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा है कॉपी टाइटल, कॉपी डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड थंबनेल, कॉपी हैशटैग, कॉपी कीवर्ड और व्यू प्रोफाइल। यहाँ से आपको क्या दिमाग लगाना, ध्यान से समझना, ठीक है, वीडियो छोड़ के मत जाना। अगर आप लोग को भी अपनी शॉर्ट वीडियो वायरल करनी है तो ध्यान से समझना मैं आपको क्या तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, पर सबसे पहले यहाँ से आपको कॉपी टाइटल कर लेना है, टाइटल वाला लिखा कॉपी टाइटल, यहाँ से आपको कॉपी टाइटल कर लेना है, ठीक। कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, बैक चले आना है, ठीक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर अपना नोट पैड ओपन कर लेना है, ठीक। आपने आपके फोन में नोट पैड होगा, इस तरीके का आपको नोट पैड ओपन कर लेना है। नोट पैड ओपन करने के बाद जो अभी आपने जो है कॉपी को टाइटल को कॉपी किया उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर लेना इस तरह से। देखिए यहाँ पर मेरा टाइटल जो है कॉपी पेस्ट हो चुका है, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। उसके बाद फिर से आपको वहीं पर जाना है, ठीक, उसी एप्लीकेशन में फिर से जाना है, ठीक। आपको फिर से वही लिंक पेस्ट कर दी, नहीं वहां पर जो मैंने भी आपको वीडियो की लिंक बताई थी वही वीडियो की लिंक यहाँ पर आपको फिर से पेस्ट करनी है, ठीक। और फिर से यहाँ से आपने टाइटल कॉपी टाइटल कर लिया, ठीक। टाइटल कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ से वीडियो की लिंक आपको फिर से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से उसी एप्लीकेशन पे आना है और यहाँ पर फिर से आपको वीडियो की लिंक डालनी है, फिर गो कर देना। गो करने के बाद अब यहाँ से आपको कॉपी डिस्क्रिप्शन कर लेना, ये कॉपी डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेना। कॉपी आपने डिस्क्रिप्शन कर लिया, ठीक। अब डिस्क्रिप्शन कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने नोट पैड में, नोट पैड में यहाँ से आपको थोड़ा स्पेस दे के यहाँ से फिर से आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ से डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो चुका है, ठीक। इसको आपको फिर से ओके कर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको फिर से इसी एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पर लिखा है कॉपी कीवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, देखिए कॉपी हैशटैग, कॉपी हैशटैग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कॉपी हैशटैग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर ऐड चल रही है, इसको हम थोड़ा जो है निकल जाने देते हैं। तो ध्यान से समझना आपको करना क्या है, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी अपनी शॉर्ट वीडियो वायरल करना चाहते हो तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना है, ठीक। अभी आपके लिए वीडियो खत्म नहीं हुई है, आपको कैसे शॉर्ट वीडियो वायरल करना है एकदम 100% वर्किंग ट्रिक है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरी ऐड खत्म हो रही है, ठीक। अगर आपका नेट ऑन होगा तो यहाँ पर आपको ऐड दिखाई देगी इस एप्लीकेशन। तो यहां से मैं इसको जो है बैक कर देता हूं, ठीक। यहां से मैंने बैक कर दिया, कॉपी हैशटैग कर लिया, यहां से देखिए हैशटैग कॉपी हो गया। यहां से मैं फिर तरह नीचे आके इसको यहां से पेस्ट कर देता हूं, ठीक। तो यहां पर देखिए हैशटैग पेस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर मैं यहां पर जाता हूं, फिर से मैं इसको कॉपी डिस्क्रिप्शन कर लेता हूं, ठीक है। यहां से मैं डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूं, कॉपी कीवर्ड कर लेता हूं, ठीक। और यहां से मैं जाकर फिर से जो है इसको थोड़ा ऐसे करके फिर से यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक। तो इस तरह से आपको सारी चीजें यहां से कर लेनी, ठीक। अब यहां से आपने एक वीडियो कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर बैक आना है, फिर यहां पर आपको दूसरी वीडियो दिख रही होगी। देखिए यहां से आपको नीचे आना, यहां पर एक और चैनल की आपको वीडियो दिख रही होगी, यहां पर देखिए इस तरह से आपको एक और चैनल की वीडियो दिख रही होगी। तो यहां पर आपको उस चैनल की वीडियो पर चले आना है और यहां से फिर आपको शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर कॉपी लिंक कर लेना है। यहां से आपने इसकी भी लिंक कॉपी कर ली, उसके बाद आपको फिर से उसी एप्लीकेशन पर आना है, ठीक। और यहां से आपको फिर से आपने जो अभी वीडियो मतलब फिर से आपको वीडियो की लिंक यहाँ से डाल देनी, ठीक। फिर से आपको इसी एप्लीकेशन पर आना है और फिर से आपको जो है उसी वीडियो की लिंक को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ से ऊपर जाके जो नई वाली वीडियो की लिंक कॉपी किया उसको यहाँ से आपको डाल देना है। तो देखिए नई वाली वीडियो यहाँ पर मेरी आ चुकी है, देखिए वीडियो आ चुकी। तो इसका भी यहाँ से आपको कॉपी टाइटल कर लेना, कॉपी डिस्क्रिप्शन कर लेना, ठीक। यहाँ से मैं टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, टाइटल कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ नोट पैड में, नोट पैड में जाने के बाद थोड़ा स्पेस देके यहाँ से मैं फिर जो है पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने देखे टाइटल पेस्ट कर लिया, फिर से थोड़ा स्पेस देके यहाँ से मैं जो है इनके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं जो है इनके डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन इनका नहीं है कॉपी हैशटैग कर लेता हूँ। कॉपी हैशटैग में जाके यहाँ से फिर से मैं थोड़ा स्पेस देके यहाँ से मैं जो है इनके हैशटैग को भी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया, इसको यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या है ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद अब आना है आपको YouTube में, ठीक है। YouTube में आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर आपको अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करनी है, कैसे अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको नीचे देखिए प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, ठीक है। ये प्लस वाला आइकन दिख रहा है, आपको इस पर जो है टैप कर देना। जैसे आप प्लस वाले आइकन पर टैप करोगे तो आपने जो भी अपनी यहाँ पर वीडियो बना रखी होगी वो वीडियो को यहाँ से ले लेना। जैसे देखिए ये मैंने वीडियो बना रखी थी, तो आपको यहाँ से अपनी वीडियो ले लेनी। वीडियो लेने के बाद यहाँ से आपको डन कर लेना। डन करने के बाद ध्यान से समझना, यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो रहा है किस तरह से आपको अपनी शॉर्ट वीडियो वायरल करनी है। जैसे आपने डन कर लिया, डन करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है ऐड साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐड साउंड भी कर सकते हो, ठीक। साउंड आपको ऐड नहीं करना है, करना क्या है ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको ऐड साउंड पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ जो है ट्रेंडिंग आपको सॉन्ग मिल जाएंगे, तो आपको करना क्या, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये ट्रेंडिंग सॉन्ग, ये देखिए यहाँ पर है, आपको इसको ले लेना है। लेने के बाद यहाँ पर आपको देखिए
इस तरह से एरो दिख जाएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर लेना ब्लू कलर के एरो पर, तो यहाँ पर आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा। ध्यान से समझना आपको करना क्या है, सॉन्ग ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपको ये जो राइट टिक दिख रहा है, ये इस तरह से आपको राइट टिक दिख रहा है, यहाँ से आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद तो देखिए यहाँ से देखिए इस तरह से कुछ हो गया। अब यहाँ पर आपको जाना है टाइम लाइन पर, टाइम लाइन पर जाने के बाद ठीक है यहाँ पर देखिए इस तरह से कुछ ऑप्शन हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक माइक वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है दिख जाएंगे। तो यहाँ से आपको करना क्या है, ऊपर देखिए, ऊपर इस तरह से आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा सिंबल, आपको इस सिंबल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने ओरिजिनल साउंड को 100 कर लेना है, और जो इसकी साउंड जो म्यूजिक जो अभी आपने उठाया इसको एकदम म्यूट कर देना है, समझ गए। यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल साउंड को एकदम 100% कर देना है, जो स्क्रीन जो भी आपने सॉन्ग ऐड किया उसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने से होगा क्या कि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा और आपका जो वीडियो है ट्रेंडिंग सॉन्ग के सेक्शन में चला जाएगा, समझ गए। ये दिमाग है, यहाँ पर आपको ये दिमाग लगाना है। उसके बाद आपको जो है टिक कर देना, टिक करने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो है विजिबिलिटी में अनलिस्टेड रखना है। अनलिस्टेड रखने के बाद यहाँ से आपको जो है अपलोड शॉर्ट कर देना है। तो यहाँ देखिए मेरी शॉर्ट वीडियो अपलोड होना चालू हो गई है, देखिए शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रही। अब आपको क्या करना है, आपको आना है अपने YT स्टूडियो में, ठीक है। YT स्टूडियो में आना है, YT स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर आपको कंटेंट वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर शॉर्ट वाले ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर जो है आपकी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाई रहा हूँ, देखिए शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रही है, देखिए इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, शॉर्ट वीडियो अपलोड हो रही। तो इसको जो है हम अपलोड होने देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपने जो अभी डिस्क्रिप्शन टाइटल कॉपी किया है तो आपको सब यहाँ पर पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने YT स्टूडियो में आने के बाद आपकी जब शॉर्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी तब यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, देखिए यहाँ पर आ चुकी। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको अपना आना है इसी वीडियो पर। इस वीडियो पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा पेंसिल वाला आइकन, इस तरह से पेंसिल वाला आइकन दिखेगा। आपको पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले टाइटल डालना है। टाइटल क्या डालना है, सबसे पहले आपको अपना टाइटल डाल देना। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर न्यू व्लॉग वीडियो, ठीक है। यहाँ पर डालता हूँ मैं न्यू व्लॉग वीडियो, इस तरह से मैं टाइटल डाल देता हूँ। मैंने टाइटल डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर मैं हैशटैग लगा देता हूँ, हैशटैग अपना एक हैशटैग लगा देता हूँ, हैशटैग शॉर्ट। इस तरह से मैंने हैशटैग शॉर्ट लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ध्यान समझना, बैक आने के बाद आपको अपने नोटपैड में चले आना, जहां पर मैंने अभी आपको जो टाइटल वो जो वो हैशटैग कॉपी करना बताया था वहां पर आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आपको करना क्या है, यहां से सबसे पहले आपको सबसे ऊपर जो आपने टाइटल कॉपी किया है उसी को आपको यहां से फिर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने वीडियो के टाइटल में इसको डाल देना है, यहां से इस तरह से पेस्ट कर देना। तो इस तरह से देखिए एक टाइटल डल गया, एक टाइटल डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ से डाल दिया, ठीक। डालने के बाद आपको आना है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो अपना टाइटल जो भी आपने डाला है आपको अपना पूरा टाइटल यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से आपने अपना पूरा टाइटल जो है इस तरह से कॉपी कर लिया, ठीक। इस पर आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, पूरा आपने यहाँ से इस तरह से कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आना है, पूरा टाइटल आपको अपना डाल देना है। उसके बाद थोड़ा स्पेस देना है, फिर से आपको आना अपने नोटपैड में। नोटपैड में आने के बाद जो भी आपने पूरा कॉपी किया इसको पूरा आपको कॉपी कर लेना, ठीक। पूरा कॉपी करने के बाद आपको फिर से अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा डाल देना, ठीक। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पूरा देखिए पेस्ट कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, आपने जिन चैनल का भी ये कॉपी किया है आपको फिर से जाना है उन्हीं के चैनल पर, ठीक। फिर से आपको उन्हीं के चैनल पर जाना है, ठीक है। उन्हीं के चैनल पर आपको फिर से जाना है, और फिर से जाने के बाद आपको उनके चैनल का नाम लेना है। कैसे नाम लेना है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये चैनल था, ठीक। अब इनके चैनल के नाम को यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, @RK Rajan। यहाँ से आपको इस चैनल का जो है आपको पूरा @ पूरा लगा देना है अपने डिस्क्रिप्शन में। आपको इसको स्क्रीन शॉट ले लेना है, और आपको पूरा इनका जो है चैनल का नाम RK Rajan Kaushal इस तरह से आपको अपने जो है डिस्क्रिप्शन में डालना है, ठीक। कैसे डालना है, आपको इसे पैक करना है और यहाँ पर डालोगे @Rajan इस तरह से डालोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक देखिए उनका नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ से @ जरूर लगा लेना, जिससे क्या होगा कि आपका चैनल उनके सामने मेंशन हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से अपना अपने से रिलेटेड हैशटैग लगाना होगा। तो उसके आपको सेम कैटेगरी का हैशटैग कैसे मिलेगा उसको भी मैं चलिए बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल पे, ठीक। गूगल पे आने के बाद जैसे व्लॉग वीडियो बनाते हो तो व्लॉग वीडियो से रिलेटेड आपको हैशटैग चाहिए, तो आपको डालना है व्लॉग वीडियो हैशटैग इस तरह से हैशटैग डाल देना, ठीक। हैशटैग ब्लॉग वीडियो हैशटैग डालोगे तो देखिए आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, इसी को आपको ओपन कर लेना है, ठीक। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कुछ हैशटैग ये बता रहा होगा, देखिए यहाँ पर कुछ हैशटैग ये ऑटोमेटिक आपको बता देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इन सारे हैशटैग को कॉपी कर लेना है, ठीक। जैसे ये देखिए नीचे कितने सारे हैशटैग हैं, इन सारे हैशटैग को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कैसे करना है, इस पर आपको टैप करके रखना है तो आपका यहाँ से हैशटैग जो है ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अपने जो है बहुत सारे यहाँ से हैशटैग ले सकते हो अपनी वीडियो के लिए। तो यहाँ से आप लोग हैशटैग कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में वही हैशटैग डाल दीजिए, ठीक। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हीं सारे हैशटैग को आपको डाल देना है, और डालने के बाद
आपको क्या करना है, हैशटैग को आपने डाल दिया, डालने के बाद फिर आपको यहाँ से जो है सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से आपको सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद आपको पब्लिक कर देना है। इतना काम जब आप लोग कर लोगे तो आपकी वीडियो देखना 100% वायरल होना चालू हो जाएगी। कैसे चालू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेंडिंग हैशटैग लगा लिया, ट्रेंडिंग टाइटल लगा लिया और ट्रेंडिंग सॉन्ग का भी इस्तेमाल कर लिया, और जो ट्रेंडिंग शॉर्ट जिनकी वायरल है जिनके यूट्यूब चैनल पर, उनके ट्रेंडिंग चैनल का नाम भी आपने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद अगर आप लोग पब्लिक करोगे तो आपकी शॉर्ट वीडियो 100% गारंटी के साथ वायरल होगी। इसकी गारंटी मैं देता हूं, आपकी जो शॉर्ट वीडियो 100% वायरल होगी। जैसे मैंने आपको तरीका बताया स्टेप बाय स्टेप, आपको स्टार्टिंग से वैसे ही फॉलो करना है, आपकी भी शॉर्ट वीडियो वायरल हो जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर से दबा लेना, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसे YouTube से रिलेटेड वीडियोस देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।